आज मैं इस तरह से चूरा का भुजा बनाऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं रीमा आप सबका स्वागत करती हूँ रीमा किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चूरा का भुजा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर ले ताकि मेरे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए चूरा का भुजा बनाना शुरू करते हैं। चूरा का भुजा बनाने के लिए यहाँ पर पैन को गरम कर लिए हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। घी को यहाँ पर हार्ड गरम कर लिए हैं हाई फ्लेम पे। अब इसमें 100 ग्राम चूरा डालेंगे। चूरा को इसमें डाल दिए हैं। इसी तरह लगातार चलाते हुए चूरा को 4 से 5 मिनट भूनेंगे हाई फ्लेम पे। चूरा को 5 मिनट भून लिए हैं। अब फ्लेम को लो करके इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चूरा को निकाल लिए हैं। इस बचे हुए घी में काजू को भून लेते हैं। यहाँ पर 50 ग्राम काजू लिए हैं। काजू को मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट भूनेंगे इसका हल्का कलर चेंज होने तक। काजू का कलर हल्का चेंज हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। काजू को निकाल लिए हैं। इसी घी में मूंगफली को भून लेते हैं। यहाँ पर 50 ग्राम मूंगफली लिए हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे भी 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट मूंगफली को भून लिए हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। मूंगफली को निकाल लिए हैं। यहाँ पर 100 ग्राम हरा मटर लिए हैं, इसे भी भून लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे। नमक को अच्छी तरह मिला लेते हैं। नमक को मिला लिए हैं। मटर को 4 से 5 मिनट इसी तरह चलाते हुए हल्का सॉफ्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। मटर हल्का सॉफ्ट हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। सभी मटर को निकाल लिए हैं। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिए हैं। अब इसमें भुना हुआ चूरा डालेंगे। अब इसमें भुने हुए मूंगफली डालेंगे, भुने हुए काजू, मटर, थोड़ी सी कटे हुए अदरक, एक हरी मिर्च कटे हुए, एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटे हुए, नमक 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। अब सभी कुछ को अच्छी तरह मिला लेते हैं।
सभी कुछ को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसे एक प्लेट में खाने के लिए सर्व कर लेते हैं। ये स्वादिष्ट चूरा का भुजा खाने के लिए तैयार हो चुका है। आप अपने घर में एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।